शाल का एक और मित्र था दंत वक्र, और वे भी इस अवसर बहुत गुस्से में थे और वे भी कूद पड़े जंग में और भगवान कृष्ण को ललकारे, तुम कायर हो, इधर आओ मेरे साथ युद्ध करो। वो केवल गदा लेके आए थे, तो भगवान कृष्ण भी पैदल उतरे और दंतवक्र के साथ युद्ध किए और गदा के प्रहार से दंतवक्र के छाती को फोड़ दिया। वहीं दंतवक्र का छाती फट गया और खून बहने लगा, दंतवक्र भी मर गया। दंतवक्र का एक भाई था, उसने भी भगवान को हमला किया, वह भी सुदर्शन चक्र से कट के वहीं मर गया। तो शिशुपाल, दंतवक्र और शिशुपाल, ये दोनों जो हैं पिछले 3 जन्मों से असुर रूप में आ रहे हैं। इनका ओरिजिनल ये वास्तविक स्वरूप है जय और विजय, जो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं। उनको 4 कुमारों ने एक बार श्राप दिया था, तब भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने उनको मौका दिया, या तो तुम 3 जन्म मेरे दुश्मन बन के मेरे से युद्ध करो और फिर वापस वैकुंठ में आओ, या तो 7 जन्म के लिए तुम मेरे भक्त बन सकते हो और मेरे भक्ति करने के बाद तुम वापस वैकुंठ आ सकते हो। तो जय विजय ने भगवान विष्णु से बहुत विरह अनुभव किया और उन्होंने विचार किया कि 3 जन्म हम असुर बनने को तैयार हैं, लेकिन जल्दी से जल्द वापस हम आपकी सेवा में आना चाहते हैं। और राज की बात यह है कि स्वयं भगवान विष्णु युद्ध करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु के साथ कौन युद्ध कर सकता है, कोई साधारण जीव नहीं कर सकता। स्वयं भगवान के भक्त ही इतने शक्तिशाली और निपुण हो सकते हैं जो भगवान विष्णु से युद्ध करें। तो भगवान विष्णु की इच्छा थी युद्ध करने की, और इस घटना से उन्होंने ऐसे जय विजय को 3 जन्म के लिए असुर बना के भेजे। तो पहले जन्म में जय विजय बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो वराहदेव और नरसिंहदेव द्वारा मारे गए। उसके अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, जो भगवान रामचंद्र के हाथों मारे गए। और तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र रूप में आए, जो भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए। तो भगवान अगर किसी असुर को मारते भी हैं तो भी कल्याण है, उन दोनों का मुक्ति हो गया और वे वापस भगवान के धाम वैकुंठ धाम में जय विजय रूप में दोबारा स्थापित हो गए। कुछ समय के बाद कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ और उसका नतीजा ये था कि कौरव पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध होने वाला था। बलराम जी को जब पता चला तो उन्होंने इसमें रुचि ना दिखाते हुए, क्योंकि दोनों पक्षों के प्रति उनका स्नेह था, तो भगवान बलराम जी ने तीर्थ यात्रा का बहाना दे करके उस युद्ध से दूर चले गए। तो भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा अपना शुरू करते हैं प्रभास क्षेत्र, जो गुजरात के खाड़ी में है, प्रभास क्षेत्र से उन्होंने शुरू किया और उसके बाद सरस्वती नदी को फॉलो करते हुए, सरस्वती नदी के किनारे चलते हुए पृथुदक तीर्थ में स्नान किए, बिंदुसरो तीर्थ में, त्रितकूप और सुदर्शन तीर्थ भी गए, वहाँ दर्शन किए, और उसके बाद विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ का दर्शन करते हुए वहाँ पर साधुओं का संग किया, साधुओं की सेवा की, और अंत में वे नैमिषारण्य पहुँचे। नैमिषारण्य बहुत ही महान, बहुत ही पवित्र स्थान है, जो आज भी हम जा सकते हैं। कानपुर के पास हरदोई डिस्ट्रिक्ट में निमसार नामक एक रेलवे स्टेशन है आज भी, जहाँ पर नैमिषारण्य स्थित है। तो वहाँ पर पहुँचने से बलराम जी ने देखा यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं और एक महान यज्ञ करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। लगभग 1000-1500 साल चलने वाला यज्ञ होगा ये, जिसमें बहुत सारे पुण्यकारी होंगे, बहुत यज्ञ होंगे, और जिसमें भागवत पुराण पढ़ा और सुना जाएगा, कहा और सुना जाएगा। तो उस अवसर पर सभी ब्राह्मणों ने बलराम जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और सभी खड़े होकर बलराम जी को स्वागत किए, प्रणाम किए और बलराम जी का सत्कार किया। लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम था रोमहर्षण सुत, जो कि वहाँ के कथा व्यास थे, मुख्य अतिथि थे जो सभी को कथा सुनाएंगे, वे अपने आसन से उठे नहीं, वे अपने आसन में बैठे रहे। भगवान बलराम जी को ये बात विचित्र लगी कि बाकी सभी ब्राह्मण मेरे को पहचान पाए और आदर सत्कार दिए, लेकिन ये व्यक्ति रोमहर्षण सुत, ये बहुत अहंकारी है, इसको घमंड है अपने ज्ञान का। और इसका कारण ये है क्योंकि ये एक क्षत्रिय पिता और एक ब्राह्मणी माता से जन्मा है, इसीलिए इसके अंदर ये स्वाभाविक क्षत्रिय का गुण या फिर अहंकार दिख रहा है। तो इसके अहंकार को दूर करना पड़ेगा। और इनका इतना हिम्मत है कि ये सभी ब्राह्मणों के बीच में सब ऊपर का स्थान ग्रहण किए हैं,
और उसके बावजूद सभी ब्राह्मणों ने मेरे को स्वागत किया, लेकिन ये इतना अहंकारी है कि ये स्वागत नहीं कर पाया मेरा। सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना, और ये सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी यदि भगवान को ना जान पाया तो इसका ज्ञान का क्या महिमा, क्या लाभ है। तो इस प्रकार बलराम जी ने ये सब विचार करके वहाँ से कुछ घास के तिनके तोड़े, जो कुश के घास होते हैं, उन कुश के घास के तिनकों से और रोमहर्षण सूत के सिर पे छुआ और रोमहर्षण सूत वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर त्याग दिया। इस घटना पर सारे ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए, बहुत विचलित हुए, क्योंकि उनका मुख्य कथाव्यास अब मर चुके हैं, अब उनके यज्ञ कौन संपादन करेगा और कौन उन्हें कथा सुनाएगा। तब वे बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने बहुत बड़ा भूल किया है, हमने तो इनको व्यासदेव के शिष्य हैं रोमहर्षण सूत, हमने इनसे कथा सुनने के लिए इनको दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया था और हमारा आशीर्वाद विफल हो गया, आपने इनको मार दिया, अब हमको कथा कौन सुनाएगा, और आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, आपने एक ब्राह्मण की हत्या की है। तो बलराम जी एक क्षत्रिय के किरदार अदा करते हुए ब्राह्मणों को सत्कार किए, बोले आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूँगा, और यदि आप चाहें तो मैं रोमहर्षण सूत को अभी तुरंत जिंदा कर दूँ, अगर आप बोलते मैं इनको फिर से जिंदा कर दूंगा। तो ब्राह्मणों ने प्रेम से, क्योंकि भगवान से प्रेम करते ही हैं, बोले नहीं, अगर आपकी इच्छा थी इनका मृत्यु तो इनको मृत्यु ही प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन आप हमारे यज्ञ का संपादन किसी और योग्य व्यक्ति से कराइए और आप अपने ब्राह्मण हत्या का भी प्रायश्चित करें। तो बलराम जी ने रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रशव सूत को अपने पिता के स्थान पर कथाव्यास बना दिए। बलराम जी बोले कि पुत्र जो है पिता का अंश ही है, तो इसलिए आपका आपके जो भी आशीर्वाद रोमहर्षण सूत को थे वह सभी आशीर्वाद उग्रशव सूत को जाएंगे, उनकी दीर्घ आयु होगी, लंबी आयु होगी, और वे विनम्र हैं, शास्त्रों के मर्म को समझते हैं, तो उनको मैं कथाव्यास गद्दी पर बैठाऊँगा और आप सभी उनसे कथा सुने। तो इस घटना के बाद फिर सूत गोस्वामी, जो भागवत के कथाकार हैं उग्र श्रवसुता, उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सौनक आदि ऋषियों को सुनाया, जो कि आज हमें भागवत पुराण के रूप में प्राप्त होता है। और ये सारी घटनाएं, बलराम जी की कथाएं, ये सभी जो है भागवत पुराण में ही उल्लेख हैं। और जहाँ तक प्रायश्चित की बात थी, तो सभी ब्राह्मणों ने बलराम जी से निवेदन किया कि यहाँ पर एक बलवल नामक असुर है जो हमारे यज्ञों को हमेशा अपवित्र करता है। हम जब भी कुछ अनुष्ठान करने जाते हैं, यज्ञ या पूजा करने जाते हैं, तो बलवल असुर अपने दोस्तों के साथ उड़ते हुए हमारे यज्ञ कुंड में हड्डियाँ, मांस और गंदे चीज़ें फेंक देता है और हमारे यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। तो प्रायश्चित के रूप में आप इस बलवल असुर का वध करें तो हम इसको प्रायश्चित मान लेंगे। बलराम जी ने बहुत खुशी से वहाँ इंतजार किया, और जिस समय यज्ञ चल रहे थे, बलवल असुर एक बादल के रूप में, बहुत सारे असुर आए और वहाँ पर यज्ञ कुंड को दूषित करने का प्रयास किए, उससे पहले ही भगवान बलराम जी ने अपने हल से बलवल असुर को नीचे खींचा और उनको वहीं मार दिया, मृत्यु के घाट पहुँचा दिया। बलराम जी से सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और बलराम जी को आशीर्वाद दिए, और उसके बाद बलराम जी अपनी तीर्थयात्रा का फिर से प्रस्थान किए। नैमिषारण्य के बाद भगवान बलराम जी प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में गए, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और यहाँ पर जब देवता और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था नेक्टर या फिर अमृत को लेकर के, तब यहाँ पर कुछ बूंद गिरे थे अमृत के, तो इसीलिए आज भी भारत भूमि में हर 4 साल बाद, हर 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगती है, हर 4 साल बाद अर्धकुंभ मेला लगती है, जहाँ पर सभी साधु लोग इकट्ठे होते हैं और स्नान करते हैं उस अमृत का पान करने के कोशिश में। और वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी साधु जब एक संग आएंगे तो वहाँ पर साधुओं का संग करने का अवसर मिलेगा। सभी गृहस्थी लोग हैं या संसार में जो कार्य में रत लोग हैं, वे अपने कार्य छोड़कर के तीर्थयात्रा के बहाने आ सकते हैं, स्नान के रूप में आ सकते हैं, और वहाँ ऐसे महान मुनि और ऋषियों से, भक्तों से कथा सुन सकते हैं और शुद्धिकरण संभव हो सकता है। तो आज भी ये प्रथा चलती आ रही है। तो कुंभ मेला का मुख्य उद्देश्य है साधुओं का संग करना, उनसे भगवान की कथाएं सुनना और मोक्ष का मार्ग खोलना, अपना जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना। इसके बाद प्रयागराज के बाद भगवान बलराम जी गया, जहाँ पर
भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान किए थे और अपने पिता का संस्कार किए थे वहाँ पे, और बलराम जी ने भी अपने पूर्वजों का संस्कार किया वहाँ पे, पिंडदान किए और उसके बाद गंगा सागर पहुँचे जो बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ माता गंगा जो है समुद्र से मिलती हैं। वहाँ पर कपिल देव का आश्रम आज भी है, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बलराम जी स्वयं वहाँ गए, दर्शन किए और उसके बाद महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी से भेंट किए, परशुराम जी के साथ प्रणाम किए और उनके साथ कुछ चर्चा किए। महेंद्र पर्वत के बाद भगवान बलराम जी महाराष्ट्र में शैलापुर नामक एक बहुत पौराणिक नागरिक नगर था, जहाँ शिव जी का पूजा होता है, तो शैलापुर में भगवान बलराम जी गए और उसके बाद दक्षिण भारत में प्रवेश किए। दक्षिण भारत में सबसे पहला और सबसे मुख्य तीर्थ है तिरुपति, जो भगवान बलराम जी ने भी दर्शन किया तिरुपति का। आज तो बहुत बड़ा मंदिर है, लगभग 1500 साल पहले वहाँ पर रामानुजाचार्य आए और इस मंदिर का स्थापना किए, जहाँ पर बालाजी, तिरुपति बालाजी का सेवा पूजा होती है। उसके बाद विष्णु कांची, शिव कांची और रंगनाथ मंदिर का क्षेत्रों का दर्शन किए। तो रंगनाथ क्षेत्र बहुत ही पौराणिक है और वहाँ भगवान विष्णु का बहुत ही विशाल मूर्ति आज भी प्राप्त है, फिग्र है, बहुत ही आदर सम्मान के साथ पूजित है। उसके बाद मदुरई नगरी का भ्रमण किए, वहाँ का जो तीर्थ है वहाँ भ्रमण किए और सेतुबंध आ पहुँचे। सेतुबंध जहाँ भगवान रामचंद्र ने लंका जाने का पुल बनाया था, पुल बांधे थे, और वहाँ पर ब्राह्मणों को दान दिए, यज्ञ किया और स्नान किए वहाँ पर समुद्र में। उसके बाद मलय पर्वत का दर्शन किए और कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिण हिस्सा है, उधर भी दर्शन किया। उसके बाद केरल में प्रवेश किए, जहाँ गोकर्ण तीर्थ है और दंडकारण्य, जहाँ भगवान रामचंद्र ने अपने वनवास का समय, अधिकतर समय वहाँ गुजारा था। और दंडकारण्य के बाद महिष्मतिपुर के मार्ग से भगवान बलराम जी वापस प्रभास क्षेत्र आ पहुँचते हैं, जहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। तो भगवान बलराम जी ने इन 1-2 सालों में पूरे भारत के सभी तीर्थों का भ्रमण किया। पश्चिम भारत से अपनी यात्रा शुरू करते हुए पूर्व की ओर गए बंगाल, और फिर वहाँ से दक्षिण की ओर गए, और दक्षिण के बाद फिर दोबारा उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर गए, और इस प्रकार से पूरा परिक्रमा जैसे पूरा कर लिया। जब वे वापस पहुँचे द्वारका नगरी, तब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध घटित हो चुका है और केवल कुछ चंद लोग ही बचे हैं, जिसमें से दुर्योधन और 5 पांडव आज अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वे दुर्योधन और भीम के बीच में घमासान युद्ध होने वाला है, गदा युद्ध, और बलराम जी दोनों पक्षों को पसंद करते थे, इसलिए उस स्थान पे आ पहुँचे, महाभारत के कुरुक्षेत्र स्थान पे आ पहुँचे और दुर्योधन और भीम दोनों को संबोधित करते हुए बोले कि तुम दोनों मेरे को प्रिय हो और मैं तुम दोनों का हित के लिए ये बात बोलता रहा हूँ। भीमसेन में ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, लेकिन दुर्योधन में कौशल ज़्यादा है, तो इसके होते हुए कोई भी विजयी नहीं होगा, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए मैं यही प्रस्तावना दे रहा हूँ तुम दोनों को कि तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो और इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दो। लेकिन दुर्योधन और भीम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे थे, बचपन की ईर्ष्या और आग जल रही थी दोनों के हृदय में, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे। तो बलराम जी ये स्थिति देखकर समझ पाए कि मेरे यहाँ पे उपदेश देने का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इसका नतीजा जानते हुए बलराम जी उस स्थान को छोड़ के वापस द्वारका नगरी को लौटे। उसके बाद भीमसेन ने छल से दुर्योधन का वध कर दिया और बलराम जी संसार से विरक्त होकर के फिर से नैमिषारण्य गए, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, और वहाँ जाके फिर से बलराम जी ने कई सारे पुण्य कार्य किए, यज्ञ किए उन ऋषि मुनियों के अधीन, और उसके बाद वहाँ पर स्नान किए, अवव्रत स्नान के नाम से स्नान करके शुद्ध